Hello, welcome to my channel Maths-O-Matic, makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 4 basic geometrical ideas exercise 4.1 concepts and tricks. Aaj hum log padhenge basic geometrical ideas chapter number 4. Isme pehla topic hai mera points, theek hai? ये पॉइंट्स क्या होता है? अगर हम पेन के साथ गोल सा ऐसा एक स्पॉट बना दें पेपर के ऊपर, तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, एक है मेरा पॉइंट ए, एक है मेरा पॉइंट बी, एक है मेरा पॉइंट सी और एक है मेरा पॉइंट डी. तो ये क्या हो गया मेरा ए बी सी डी आर पॉइंट्स. तो पॉइंट्स को कैसे बनाए हैं देखिए, जस्ट पेन को लेके एक मैंने एक डॉट जैसा बना दिया है, ये हो गया है मेरा पॉइंट्स. ए के लिए भी बनाया है, बी सी और डी के लिए भी. देखिए इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट्स, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है देखिए, अ लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर हम लोग दो पॉइंट्स को जोड़ दें तो वो हो जाएगा मेरा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है? देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है मेरा पॉइंट ए और एक है मेरा पॉइंट बी. तो यानी अगर हम दो पॉइंट को एक लाइन से जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा मेरा लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी बार. तो ये मेरा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ए और बी. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ए बी के ऊपर एक लंबा सा लाइन कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा लाइन सेगमेंट का सिंबल. तो लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी और ऊपर एक लाइन. इस लाइन को बोलते हैं बार, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको, बार, बी ए आर बार, ठीक है? अब देखिए ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. यानी अगर ये मेरा लाइन सेगमेंट है तो मेरा इसका दो पॉइंट्स है और वो पॉइंट्स कहाँ है, एकदम एंड में है ना. तो यहाँ पे देखिए ए भी एंड में है और बी भी मेरा एंड में है. तो ये क्या हो गया मेरा, दो एंड पॉइंट्स, ठीक है? क्योंकि ये मेरा एंड में है. अब देखिए ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स विच आर जॉइंड टूगेदर. यानी अगर हम दो पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो वो मेरा बन जाएगा लाइन सेगमेंट और वो दोनों ही पॉइंट मेरा कहाँ होगा, एंड में होगा. इसलिए हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट्स, ठीक है? अब देखिए हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन ट्राई दीज का. देखिए यहाँ पे ये ट्राई दीज का क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 4.2. तो 4.2 में एक फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बी से ए और ए से सी मेरा दो लाइन सेगमेंट है. इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पे मेरा कितना लाइन सेगमेंट है, एक है मेरा ये पहला लाइन सेगमेंट जो कि है मेरा ए बी, ठीक है? और यहाँ पे मेरा दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, ए सी, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा दो लाइन सेगमेंट है, एक हो गया ए बी और दूसरा हो गया मेरा ए सी. तो ये कहता है नेम द लाइन सेगमेंट्स, जो कि मैंने कर दिया, एक हो गया ए बी और एक हो गया ए सी. अब बोलता है इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, या ए जो मेरा पॉइंट है क्या ये मेरा ए पॉइंट दोनों लाइन सेगमेंट यानी कि ए बी और ए सी का एंड पॉइंट है, एकदम है? तो ये होगा मेरा यस, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ए मेरा एक एंड पॉइंट में है ना, और दूसरे एंड पॉइंट में क्या है मेरा बी. वैसे ही अगर हम ए सी एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे तो मेरा एक एंड पॉइंट में क्या है ए और दूसरे एंड पॉइंट में क्या है सी. तो ए जो है वो मेरा एंड पॉइंट्स में हुआ, इसलिए मेरा आंसर हुआ यस. वही चीज मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ये है मेरा फिगर, ये है मेरा पहला लाइन सेगमेंट, ये है दूसरा. नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर टू, एक हो गया मेरा ये ए बी और एक हो गया मेरा ये ए सी. वेयर ए इज द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, ठीक है? आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, लाइन, ठीक है? ये लाइन क्या होता है?
अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट को दोनों एंड पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ा दें और उसमें एक एरो लगा दें तो ये मेरा हो जाएगा लाइन। ठीक है, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे यानी कि बढ़ा देंगे और हम लोग एक एरो का साइन लगा देंगे दोनों साइड में तो ये क्या हो जाएगा मेरा लाइन, इसको कहेंगे लाइन। तो लाइन क्या है, देखिए लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी के ऊपर में देखिए मेरा एक इस तरह का साइन है, एरो का साइन है दोनों साइड से। ठीक है, तो लाइन को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट में मेरा दो एंड पॉइंट्स होता है लेकिन लाइन में मेरा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों एंड पॉइंट से उस लाइन को बढ़ा देते हैं और वहां पे एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जब दो लाइंस एक साथ क्रॉस करती हैं तो उनको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा दो लाइन है, देखिए ये एक लाइन है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों एंड में मेरा एरो है इसलिए ये मेरा लाइन है। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड में क्या होता है, पॉइंट्स, और एक लाइन के दो एंड्स में क्या होता है, एरोस। ठीक है, याद रखिए, इसलिए यहाँ पे दो लाइंस है, एक लाइन है मेरा L, एक लाइन है मेरा M, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गए, L और M हो गया मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टू लाइंस यानी कि L एंड M विथ वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे देखिए जब L और M एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे वो लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कॉमन पॉइंट है, वो मेरा L के ऊपर भी आता है और M के ऊपर भी ये पॉइंट आता है। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा हो गया एक कॉमन पॉइंट। इसलिए कहता है कि टू लाइंस विथ वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे अगर दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे से अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे तो वो हो जाएगी मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है, यहाँ पे भी दो लाइन है, एक है एल और एक है एम। यहाँ पे एल और एम इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, टू लाइंस जिनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है विथ नो कॉमन पॉइंट्स वो होगा मेरा पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये L और M एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एकदम यहां से चल गया सीधा और ये भी यहां से चल गया सीधा, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया पैरेलल लाइंस। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस में क्या डिफरेंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में मेरा दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और बीच में एक कॉमन पॉइंट आएगा, लेकिन पैरेलल लाइंस में मेरा जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसलिए यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रे। ये रे क्या होता है, अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और किसी एक एंड पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं और उस पे एरो बना देते हैं और दूसरे एंड पॉइंट को बिल्कुल वैसे ही रखते हैं जैसे पहले था तो ये मेरा हो जाएगा रे। तो क्या होगा, ए रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन ए डिरेक्शन, यानी एक रे जो है वो मेरा इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और मेरा एंडलेसली या बिना खत्म हुए ये चलते ही रहता है सामने। ठीक है, यानी कि एक रे होगा मेरा कुछ इस तरीके से, ये है मेरा एक रे जो कि मेरा ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा चलते ही जाएगा
कुछ खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये है मेरा रे। तो कैसे लिखते हैं हम लोग रे को? अगर ए और बी मेरा रे है तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ऊपर एक एरो का साइन देके। तो अ रे इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी, ऊपर में एक एरो, ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।